गॉड। ठीक है, हमारी बात चल रही थी कंस्ट्रक्टर की, ये हमारे रूल्स थे, और अभी जो उन्होंने क्लास क्रिएट की है इसको मैं स्किप कर देता हूँ। ये हमारी क्लास होगी जो कि रूल इंप्लीमेंट कर रही होगी, और रूल्स क्या हैं वो यहाँ पे इसको या वो कंट्रोल ठीक है। ओके, ये हो गया और ये सही है, यहाँ से भी कंट्रोल शेयर। ओके, ये रूल्स हैं हमारे। कंस्ट्रक्टर कह रहा है कि 0 पैरामीटर में तीनों चीज़ें आप कंस्ट्रक्ट को देंगे और करंट सिस्टम से लेगा। चलो ये मान भी लेते हैं कि ये आपने ऐसे डाल दिया है, तो ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ से हम लेते हैं, पहले ये वाला बना लेते हैं, कहते हैं कि जैसे ही इसको तीनों चीज़ें दी जाएंगी या तीनों चीज़ें लेकर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट वाले कंस्ट्रक्टर पे आ रहा हूँ, ये इजाफी चीज़ हटा लें आप लोग, कंस्ट्रक्टर बनते ही चेन कॉल होगा। इसके पास आया डेट है, मंथ है, ईयर है, ये तीनों चीज़ें आई, और तीनों चीज़ों के लिए हमने कहा कि कंसोल डॉट राइट लाइन एंड सेमी कॉलन। फिर हमने कोई स्ट्रिंग पैटर्न बना लिया, पहले को हम कह रहे डैश, फिर हम कह रहे डैश, फिर हम कह रहे डैश, इसमें हम 0 1 2 ठीक है। यहाँ से हमने अंडरस्कोर डे है तो डे डाल दिया, अंडरस्कोर इजाफी हो जाएगा, मैं यहाँ हटा रहा हूँ क्योंकि वो फिर एक लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम इजीली डे कर देते हैं, इसको हम एम कर देते हैं, और यहाँ पे हम वाई कर देते हैं। ठीक है, ये आ गया आपका वाई। पहले हमें पैटर्न में वाई चाहिए, और इसके बाद मंथ चाहिए, और फिर हमारे पास डे चाहिए। ठीक है, इसको हमने स्किप कर दिया। अब जब मेरा ये वाला क्लास का ऑब्जेक्ट इस कंस्ट्रक्टर से क्रिएट होगा, देखो ये प्रिंट हो जाएगा, जो इनपुट में दिया जाएगा, डे दिया जाएगा, मंथ दिया जाएगा, ईयर दिया जाएगा, और वो इस तरह से रिप्रेजेंट कर देगा। तो हम यहाँ पर यही काम करने जा रहे हैं, ये पहला रूल इम्प्लीमेंट होने जा रहे हैं। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट से आपकी कंस्ट्रक्ट डेट की क्लास, आवाज़ आ रही है सबको, इशू अगर है तो बताओ। यस ठीक सर, है, सर सही आ रही है बिल्कुल। इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, और हमने देखा ऑब्जेक्ट बना दिया हमने सी डी का, और सी डी का ऑब्जेक्ट बना है, और पे इक्वल टू न्यू, फिर कंस्ट्रक्ट इसमें क्या दी जाएगी, तीन चीज़ें दी जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास देखिएगा क्या है, डे है 25/2/12 एंड 2020, 25 एंड 12 2020। ठीक है, और हमने इसको प्रिंट करवाना है इजीली, हमारे ये टास्क है, इसको हमने रन किया, और अभी फिलहाल में इन चीज़ों को हम हाइड कर देते हैं। कह रहा भैया, कंस्ट्रक्ट डेट की कुछ स्पेलिंग का मसला चल रहा है। ठीक तो है, द बेस ओवरलोड मेथड, मेथड ओवरलोड के अंदर आपने ये किया हुआ है, ये दो दे दिए हैं, ये दो दे दिए ना आपने, ये आपके पास हो गया, फिर क्या मसला है। लाइन नंबर 31, 31 किधर है, ये इसमें क्या मसला आ रहा है, और उसके तो अभी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसमें मसला क्या आ रहा है। द बेस्ट ओवरलोड मेथड मैच द कंस्ट्रक्टर नॉट इन द इंट इंट एंड स्ट्रिंग, इंट स्ट्रिंग, आपने ये वाला, अच्छा स्ट्रिंग लिया हुआ है ये आपने, हमें तो स्ट्रिंग देना है ना भाई, इंट देना है। ठीक है,
देखिएगा यहाँ पर इजीली हमने क्या कर दिया, फॉर्मेट देखा 20 आ गया और जो हम चाह रहे थे उसके करीब करीब कुछ आ गया है। तो 20 20 दिसंबर 25, सिर्फ दिसंबर आ गया है, वो फॉर्मेट हम बाद में देखेंगे, इसको डेक डेक कर देंगे, तो इसका मतलब है कि दिसंबर आ जाएगा। किसी को याद है वो लाइब्रेरी कौन सी होती है भाई? इसको फाइनलाइज कर दें, चलो उसको आखिर में देखेंगे कि किस तरह से ये नंबर, हम अगर हम 12 दें तो यहाँ पर दिसंबर का शॉर्ट फॉर्म आ जाए, और अगर 1 दें तो जनवरी का शॉर्ट फॉर्म, इसको हम लास्ट में फिर देखेंगे। तो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, ये वाला रूल तो इम्प्लीमेंट हो गया डायरेक्ट से, हमने इसको जो मंथ दिया वो मंथ आ रहा है, 25 आ गया डे, और फॉर्मेट भी हमारे पास वही आ रहा है। अब हम सेकेंड की तरफ आ रहे हैं, सेकेंड कह रहा है कि आपको हम ये दो चीज़ देंगे और थर्ड वो सिस्टम से उठाएगा, क्लियर है? तो हम आप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और ये पैरामीटर और क्या देंगे, ये दो देंगे, सॉरी ये दो देंगे, ठीक गया, एम और ये हमने डी कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ये प्रिंट नहीं करवाएगा, जो हमारी रिस्ट्रिक्शन थी वो ये थी कि ये जैसे ही इससे कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए, ये अवर यानी कंट्रोल किसको दे दे, इसको दे दे, ठीक है, और इसने कुछ नहीं करना है, करना इसने है, प्रिंट इसको करवाना है, और ये प्रिंट के स्टेटमेंट्स में लिखी हुई है, क्लियर हो गया? और अगर आप कहें कि ये हम इसका काम यहाँ पर कर देते हैं, तो ये भी हो जाएगा कि आपने ये प्राइवेट बना लिया, प्राइवेट में शो डेट इसका फंक्शन बनाया, चलो लंबा हो जाएगा, फिर पैरामीटर पास करवाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, हाँ लंबा हो जाएगा, छोड़ यहीं से कर देते हैं। ठीक है, ये काम हो गया, इसके कंट्रोल इसके पास आ जाए, इसने इसको कंट्रोल देना है, इसके कंट्रोल के लिए हमें डॉट लगाकर कितने पैरामीटर वाले को देना है, इसको देना है, हम कह रहे हैं कि हमने ओके जो सिस्टम में दिया जाएगा वो डे चले जाएगा, मंथ में मंथ चले जाएगा, ये डी जो है वो यहाँ से आया है और एम जो है वो यहाँ से आए हैं, ठीक है, और इसमें हम कह रहे हैं करंट उठा ले, करंट का मतलब क्या है भाई? करंट का मतलब है इसको हम डायरेक्ट यहीं पे करंट दे देते हैं, इसके करंट लेने के लिए डेट क्या होता है भाई, डेट टाइम डॉट नाउ, डॉट नाउ के बाद एयर, ऐसे होता है। तो इसको हमने ये दो चीज़ें दी, ये तीन चीज़ें देनी है, और थर्ड में हमें करंट उठाएगा, ठीक है। अगर इसको वैल्यू नहीं देंगे तो ये एयर खुद ब खुद उठा लेगा जो हमारे पास कंस्ट्रक्टर का है, ठीक है, अभी चला के देखते हैं कोई एरर तो नहीं। इंटेलिजेंस का यही फ़ायदा होता है, वाई नहीं है, बिल्कुल वाई नहीं है, यहाँ पर वाई नहीं है, वाई नहीं वाई क्यों नहीं, वाई डिग्री ओके okay, अभी हम ऐसे करते हैं, अगर ना हो तो 8 को दे दो, क्या हुआ? लाइन नंबर 40 ये मसला है, इसको क्या हो गया? ये अपने आप को कॉल नहीं कर सकता, अच्छा ये हमने तीन चीज़ें दी हैं, सॉरी इसको हमने यहाँ से कॉल नहीं कर सकता, लेकिन सेल्फ हमने किया है, यहाँ से हम टेन सिस्टम की ये हो गया, तो यहाँ से हम हार्ड कोड दे देंगे, ओके यहाँ हम हार्ड कोड दे देते हैं 21, यहाँ से हटा देते हैं।
क्लियर है। जैसे इसके पास कंट्रोल आए, दो ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, तीसरा सिस्टम से उठा लेंगे, यहाँ सिस्टम से उठा सकते हैं, लेकिन अभी हम सिस्टम से नहीं उठा रहे, डायरेक्ट हार्ड कोड कर रहे हैं कि सिस्टम में डेट मेरी 21/21 है। रन किया और देखिएगा आपके पास फॉर्मेट आ गया जो हमने फॉर्मेट दिया है। कौन सा फॉर्मेट है? इनपुट में। अच्छा, अभी एरर नहीं है। और ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था, ये वाला। अभी हमें कंस्ट्रक्टर कॉल करना है दो पैरामीटर वाला, ठीक है। हम रिवर्ट जा रहे हैं, अब दो पैरामीटर वाला कॉल होगा। दो पैरामीटर का मतलब है हम ये देंगे, और उसकी हमने क्या रिकॉर्ड रखा था, 25 और 1। इसको हमने 25 किया, इसको हमने 1 कर दिया। अब ये डेट तो तीन पैरामीटर वाले से कॉल हो रहा है जो कि डायरेक्ट कॉल कर रहा है, और यहाँ पे दो चीज़ें ले जा रहा है, और ये कंस्ट्रक्टर इसको कॉल कर रहा है और ये प्रिंट करवा रहा है, तो दो डेट आएंगी अभी। कंस्ट्रक्टर क्या हो गया? अच्छा, ये ऑब्जेक्ट का नाम हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये डेट आ गई आपकी इस कंस्ट्रक्टर से, जो कि हार्ड कोड डेट है, ये आ गई सिस्टम से। देखिए 25 1 थी, इसको एयर कहाँ से मिला, जो इसने सिस्टम से उठाया। सिस्टम से अभी आप हार्ड कोड कर रहे हैं, आप सिस्टम से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल आई, यहाँ पे कॉल आने के बाद इसको इसने फॉरवर्ड किया। इसको भी देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर में कोई स्टेटमेंट नहीं है प्रिंट होने की, इसने कॉल भेज दी यहाँ पर। जब यहाँ पे कॉल आई, इसको एयर भी हमने दे दिया, और इजीली इसने प्रिंट करवा दिया ये दोनों स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आपके पास एक कंस्ट्रक्टर कंट्रोलिंग आ गई। सेकंड, हम कह रहे हैं कि ये वाला रूल इम्प्लीमेंट करना है जिसके अंदर हम एक पैरामीटर जो डे देंगे और सिस्टम के अंदर ईयर और मंथ देंगे, ठीक है। तो हम एक वाले पे आते हैं, यहाँ पर आते हैं, और इस स्टेटमेंट को कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर हम सेकंड वाले को कॉल कर देते हैं, ठीक है। सेकंड वाले के पास कॉल आ गई, और हमने कहा कि सेकंड वाले के पास कॉल आते वक्त डे चाहिए, तो डे तो हम इसमें भी दे रहे होंगे, यही डे हमारे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। और दूसरा पैरामीटर हम कह रहे हैं मंथ, मंथ हम कह रहे हैं हमारे सिस्टम से उठाएगा, और सिस्टम से मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, मुझे पता है सिस्टम में मेरी डेट कौन सी है, मंथ कौन सा है, 2 है, ठीक है। तो ये कंट्रोल, ये वाला कॉल होगा एक पैरामीटर वाला, ये हिट करेगा किसको, इसको, और ये फिर यहाँ जाएगा, यहाँ वाला ये इसको हिट करेगा, और फिर फाइनली ये यहाँ जाके इसको प्रिंट करवा देगा। देखिएगा दो डे में जो देगा वही आएगी। इस केस के अंदर हमने 25 रखा और ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ऑब्जेक्ट 2। यहाँ पर हम सिर्फ इसको डे देंगे, और डे में अगर मैं 26 लूँ तो एक चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा इस कंस्ट्रक्टर से 26 पास हुई, ये फॉर्मेट बन गया, इसके पास 2 आया, और 21, ये 2 हमारा सेकेंड वाले कॉल से आ रहा है, और 21 हमारे पास ये प्रिंट हो रहा है ओवरऑल किस स्टेटमेंट से। ये चीज़ समझ में आ रही है इजीली? फैजान, उसैद, मोहम्मद अनस, अहमद, क्लियर हो रहा सर मैं अभी आया हूँ सर, थोड़ा वो कर दें दोबारा स्टार्ट से ज़रा। है? ओके, बताता हूँ मैं, बाकी को समझ में आ गया? जी सर, ये बस कोड वॉक चाहिए, चैट पे शेयर कर दी। कोड तो मिल ही जाएगा, खुद भी कर लोगे अगर ये चीज़ अगर समझ में आती है तो, ठीक है। मैं इसको रिकॉल करता हूँ दोबारा से फैजान। अच्छा, अभी देखिएगा हमारे पास कौन से रूल इम्प्लीमेंट हो गए हैं। ये आखिर वाला हमने पहले इम्प्लीमेंट किया, वो ये रूल हो गया, ठीक है। दूसरा वाला हमने, ये वाला जो दो पैरामीटर वाला था उसमें हमने ये इम्प्लीमेंट करवाया। तीसरा हमारे पास ये था जिसको हम कह रहे हैं एक पैरामीटर से कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा, और फिर ये जाएगा चेन बनकर आखिर वाले पे, और आखिर वाला प्रिंट करवाएगा। आते हैं हम ये वाले रूल की इम्प्लीमेंटेशन पे, और हम ये कहते हैं कि ये वाला किसी को भी जीरो पैरामीटर है, और इसमें सारी चीज़ें सिस्टम से उठा रहा होगा, तो उसका मतलब है कि मुझे ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, और इसकी बॉडी में भी हमें अभी कुछ भी रूल इम्प्लीमेंट नहीं करना है, और सिंपल सा ये जाएगा और कौन से वाले को कॉल करेगा, फर्स्ट वाले को, ठीक है। फर्स्ट वाले को कॉल करने के लिए इसने यहाँ पे हार्ड कोड दे दिया सिस्टम की डेट 24, सिस्टम की डेट 24 यहाँ पास हुआ, ये 24 लेके, और 24 यहीं पे आगे फॉरवर्ड हो गई दो पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर के पास। उसने 24 और 2 लेकर आगे फॉरवर्ड कर दी यहाँ पर आ गया, और फिर ये 24 और 2 यहाँ पे आया, इसको चाहिए कि ये आगे फॉरवर्ड करे, अपना कंट्रोल दे दे। इसके पास 22, सॉरी 24, 2 और एंड 20, 21, इसने आखिरी वाले को पास कर दी। इसके पास तीनों वैल्यू आ गई, इसने क्या कर दिया, फॉर्मेट बनाकर प्रिंट करवा दिया।
ठीक है, हो गया। तो हमें ये कंस्ट्रक्टर बना दिया गया और इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ऑब्जेक्ट नंबर 3, एंड नो पैरामीटर, ठीक है भाई। पहला कंस्ट्रक्टर, दूसरा कंस्ट्रक्टर, यानी पहला 3 पैरामीटर वाला, 2 पैरामीटर वाला, 1 पैरामीटर वाला, पैरामीटर लेस वाला, ठीक है। पैरामीटर लेस वाला कहाँ से वैल्यू ले रहा है? वो यहाँ कंस्ट्रक्टर से, जो हमने हार्डकोर सिस्टम की। अब सिस्टम की किस तरह उठाते हैं कुछ पता है? डेट हमने क्या किया था? वो डेट सब इंटेलिजेंस भी नहीं है ना इसमें, समझ में नहीं आ रहा होता है। डॉट नाउ डॉट डे, ये है मेरे ख्याल से। ठीक है भाई, डे आ गई। और आप करंट से यहाँ उठाना चाहते हैं, आप ये सिस्टम से पूरा डायनेमिक हो गया है इसी तरह से, क्योंकि जगह यहाँ पर सिंगल लाइन की थी। यही काम आप यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। मंथ के लिए ये काम एयर के लिए कर लेंगे, मंथ के लिए भी आप कर लें, इजीली आपको जगह है यहाँ पर। मंथ को कैसे उठाते हैं? कॉपी किया आपने, ये मंथ के लिए किया, यहाँ पर आपने मंथ लिख दिया, ठीक है। ये भी सिस्टम से आपका माइंड हो गया, ठीक है। सिस्टम से जो डेट मंथ आ रहा है वो यहाँ पर आ गया, क्लियर हो गया। ये भी आप इजीली इसको सिस्टम से एयर ले सकते हैं, मंथ की जगह एयर कर देते हैं। ये कोड हो गया है कंप्लीट। इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, और काफ़ी एक जो ऊप के कॉन्सेप्ट्स हैं उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाया। विदाउट कोर प्रोग्रामिंग ये काम नहीं कर सकती, ये सिर्फ ऊप की प्रोग्रामिंग का काम है जो ये काम कर रही है कि एक कंस्ट्रक्टर नहीं बल्कि मल्टीपल ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बनाए, और आपस में एक के पीछे एक का कंट्रोल देते गए, तो हमने कंट्रोलिंग कंस्ट्रक्टर के रूल को इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है। सैनैरियो समझ में आ गया? कन्फ्यूजन रह जाती है कि सर इसको कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये मैं आज क्लास से पहले ही सोच रहा था कि आपके पास क्या सैनैरियो रखे जाए, तो ये सैनैरियो मेरे जहन में आया, तो मैंने इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाया, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, इसमें और हम फॉर्मेट की बात करें कि ये फॉर्मेट कैसा आएगा, इसके लिए भाई किसी को क्लास याद है? इसके लिए तो हमें इंटेलिजेंस की ज़रूरत पड़ेगी कि जो हमें प्रॉपर्टीज़ बताए, तो क्या करें? कि मैं ज़रा कोशिश करता हूँ अपने इंटेलिजेंस को स्टार्ट करने की। मुझे स्क्रीन शेयर है आपके पास? हेलो, जी सर, ठीक है। फॉर्मेट के लिए कुछ लाइब्रेरी थी यार, सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन डॉट कल्चर इन्फो होगा मेरे यहाँ से, हाँ कल्चर इन्फो डॉट करंट कल्चर, ये प्रॉपर्टी है, गेट करंट कल्चर आ जाएगा, क्या आएगा चेक करना पड़ेगा इसको। सर्च करो यार। सर शायद इनवैलिड कल्चर है मेरे ख्याल में। इनवैलिड कल्चर है, कुछ चेक वेक करें भाई आप लोग, किस तरह से ये बनना चाहिए। डेट टाइम फॉर्मेट कोई कल्चर में नहीं आ रहा है? डेट टाइम ये आ रहा है, डेट टाइम फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पर गेट ये आ गया भाई, गेट मंथ। गेट मंथ नेम का मतलब है कि पूरा कोई भी नंबर आप इनपुट में देंगे, इसको इंटीजर देंगे, देखिए इंटीजर लिखा हुआ है, और वो फिर फुल नेम देगा, ठीक है। अगर आपको पूरा जनवरी का पूरे स्पेल के साथ चाहिए तो वो ये आ जाएगा, आपने कहा नहीं कोई और, एब्रीवेटेड, ठीक है। एब्रीवेटेड का मतलब है वो 3 लेटर वाला जो फॉर्मेट होता है वो हमें मिल सकता है। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट बनाई और पैरामीटर में कह दिया क्या करना था, दिसंबर के लिए 12, ठीक है। ये एरर नहीं है इसमें, मैंने इस कॉपी किया, क्योंकि इंटेलिजेंस हमें सहारा देती है कि डेवलपमेंट को फास्ट करें।
हमने इसी का सहारा लेकर अपने अपने कोर्ट पे गए हैं जो हमारे पास इसमें भी चलना चाहिए, चलना चाहिए ना भाई, है नहीं? Yes, तो ये कौन सा कोड आ गया, ये वाला है। यहाँ पर मैंने इसको इम्प्लीमेंट करवाया और किसी वेरिएबल में M1 के नाम से डाल दिया, और जो भी M आ रहा है उसको वो इंटीजर में होगा, M1 में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इसको M एब्रिवेटेड कर दें, यहाँ पर मैंने अपडेट कर दिया, ठीक है, फॉर्मेट आ जाएगा भाई। चेक करते हैं, मंथ डिफरेंट डिफरेंट चल रहे हैं, 1, 2, 2, तो इसमें 2 नहीं करते हैं, चलो खैर। आउटपुट है कल्चर का, ये क्लास, बहुत सारी क्लासेस बिल्ट इन हैं, इसकी मदद से हमने एक नेम को कन्वर्ट किया तो फॉर्मेट हमारे पास हो गया जो हम चाह रहे थे, एक्यूरेट वही चीज़ आ गई, ठीक है। यस सर। और अगर आप